दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं अमरोहा के गांव जुजैला चक में खड़ा हूं। दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर तेंदुआ पकड़ा गया था, कल रात पिंजरे में फंस गया था। हालांकि यहां पर बताया ये जाता है कि जो दूसरा भी बताया जाता है कि उसका जोड़ा है यहां पर, ऐसी कोई संभावना है? हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी लोग हैं और यहाँ पर जिस बच्चे पर जो हमला किया गया था उनके पापा भी मेरे साथ खड़े हैं। पवन जी ये बताइए, जब आपका बच्चा यहाँ पर खेल रहा था क्या बात थी, ये बताइए उसके बारे में। वो शाम के टाइम इधर वैसे खेलते हुए, जैसे जहाँ पशु बनते हैं वहाँ पे खेल रहा था। जी जी। हम बैठे थे उधर चारपाई पे। अच्छा। तो अचानक से जैसे वो बैठा हुआ खेलता हुआ, तो अचानक से जैसे झपटा सा लगा इसके यहाँ से गर्दन पे से, वो पकड़ के ले गए। जैसे इसका सो रहा है तो हम भागे वहाँ से, उठा के उसको यहाँ अंदर तक खींच के ले गया। अच्छा। अंदर बहुत अंदर तक खींच के ले गया। अच्छा। फिर उसके बाद वो छूट गया उसके वजह से भी। जी जी। तो हमला तो उसने कर दिया था, छूट गया वो, यहीं जैसे गन्ना खड़ा है ना, इलाज जाएगा, छूट गया वो छूटते भाग गया, फिर वहाँ पहुँचा। अच्छा। नहीं तो पहले आपको आभास था कि यहाँ पर तेंदुआ आ गया, उससे पहले भी देखा नहीं था? उससे पहले नहीं देखा था? अच्छा, उसी दिन आपने देखा? उसी दिन पता लगा मतलब। अच्छा। तो फिर वन विभाग वालों ने यहाँ पर पिंजरा लगाया गया? जी जी। अच्छा, तो ये पिंजरे में किस समय फंसा था वो? ये तकरीबन 7:30 के आसपास। अच्छा, 7:30 के बाद। तो उसके बाद कितनी देर के बाद में जो है वन विभाग के कर्मचारी उसको लेकर गए? ये आ गए थे आधे पौन घंटे में यहाँ आ गए थे। हाँ। अच्छा, उसको रात में ही ले गए थे? हाँ, लेके चले। अच्छा अच्छा। दोस्तों इस धनोरा तहसील के कई गांव ऐसे हैं यहाँ पर जो है काफी आतंक जो है तेंदुए ने मचा रखा है, और तेंदुए बताए जाते हैं ये कई संख्या में हैं। लगभग कितनी संख्या में, मतलब अंदाजा है आपका, ये कितने हो सकते हैं? 5 या 6 हैं। 5 या 6 संभावना है। हाँ। तो अभी तो एक ही पकड़ा गया है। हाँ। अच्छा, देखिए भाई आप देख सकते हैं ये जो इनका घर है जिनके बच्चे पर हमला किया गया था, ये जो है जंगल के क्षेत्र में है, गाँव से थोड़ा सा बाहर हैं। यहाँ पर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने एक जाल भी लगा रखा है कि अगर दूसरा तेंदुआ यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर एक तरह से मतलब वो हमला ना कर सके, उसके बचाव के लिए यहाँ पर किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो है ये ट्यूबवेल भी चल रहा है इसका, तो यहीं पर इनकी ज़मीन आ रही है। अच्छा, देखिए जो जंगल है वो भी घर के पीछे ही इनका आ रहा है। तो ये जो जाल आपने लगाया है, इस जाल की क्या मतलब, इससे जाल से भी कुछ आपको सहायता मिलेगी? नहीं, ये तो इसलिए लगाया, जिस दिन का पिंजरा लगाया था ना। जी जी। ताकि इधर को ना आवे। अच्छा, इसलिए थोड़ा इधर बच्चे रखते हैं पशु। जी जी। तो इधर नहीं। अच्छा, तो आपके जैसे यहाँ पर ये पशु भी बंधे हुए हैं, तो इन पर नहीं हमला किया ना? अच्छा, बस इस बच्चे पे क्या? ये तो यहाँ पे। अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं ये बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष। हाँ, 6 साल का ये बच्चा। क्या नाम है बेटा आपका? आलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा बच्चा है और कितने अच्छे जवाब दे रहा है। तो आलोक, आप स्कूल नर्सरी में पढ़ते हो गांव में ही? नहीं। अच्छा, मुकिमपुरा विद्यालय में। तो जब इस पर हमला किया उस समय क्या टाइम था? 6 के आसपास मान के चलो। अच्छा, 6 बजे के आसपास। तो आपने अंधेरा नहीं हुआ था। 6 बजे। अच्छा, तो ये बच्चा जी खुद ही छूटा आया, मतलब उसके कब्जे से छूट आया, हमें पता नहीं लग पाया इसका। जी जी। ये अपने आप ही आया अंदर से रोता हुआ। जी। खून में लथपथ था बिल्कुल। अच्छा। खून बहुत निकल रहा था इसके सारे में। जी जी जी। लेकिन मैं तो इस बच्चे की बहुत बड़ी समझूंगा एक हिम्मत, और भगवान का जो साथ है वो इसको मिला। 35 टाक के है। अच्छा, 35 टाक के। अच्छा, 35 टाक के। जी जी। ये इसका बिल्कुल अलग हो गया था और पीछे जी मतलब जो ज्यादा मत हिलो बस। हाँ, ये दिक्कत होगी। देखिए तेंदुए की जो मार है ना वो तो बड़े बड़े जानवरों को भी मतलब एकदम से कब्जे में कर लेता है। ये एक मतलब आप भगवान को बहुत बड़ा धन्यवाद दें जो बच्चा आज जो है आपके सामने ये। हाँ जी जी जी। मैं तो बहुत इस बात को देखकर एक मैं इसको एक अजूबा भी मान रहा हूँ कि अगर तेंदुए के कब्जे से अगर ये मतलब बच गया, कोई इंसान नहीं बनना भी तो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल कार्य है, मान के चले आप। जी 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 जी। तो जैसे कि मतलब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे और भी तेंदुए हैं, तो अब क्या वन विभाग वाले क्या कर रहे हैं? मतलब वो बोल रहे हैं, बोले शाम को और लगाते हैं एक बार पिंजरा। अच्छा। बोले देखते हैं, क्योंकि वो रात 10 बजे करीब यहाँ पीछे देखा है, आगे जो घर है हमारे जी वहाँ पे देखा गया। अच्छा,
चार लोग चक्कर मार रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब घर के आसपास ही? हाँ, घर के आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। जी जी, अब ये बोल रहे हैं DFO वगैरह बोल रहे हैं कि वो नर है, मादा रह गई है इसकी। अच्छा, ये परेशान कर देगी, इसको पकड़वाओ। अच्छा, मादा तो सुना में बहुत खतरनाक हो जाती है, अगर नर है, नर गया जी। हाँ, अच्छा, मन कैसा पकड़वाओ भैया, हम तो सो भी ना रहे, हम तो कई रात हो गई सो। अच्छा, भी तो जैसे मतलब जैसे इस तरह का मतलब खतरा है तो गांव के लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? गांव के लोग भी बस ऐसे सब अपनी पैरा भी कर रहे हैं, जाग रहे हैं जी। कोई नहीं सो पा रहा। अच्छा, सभी कह रहे हैं कि इसको पकड़वाओ। अच्छा, ये जो आतंक था मैंने देखा इधर जो है मोहम्मदपुर पट्टी टोनिया में भी एक बच्चे पर हमला किया गया था। वो भी लगा था, ये पिंजरा लगा था पर वहाँ पर पकड़ा ना गया। हाँ, मलेशिया में भी लगा था, पकड़ा नहीं गया। सब ये बोल रहे हैं, वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि यो कहीं पर नहीं पकड़ा गया, एक यहीं पर पकड़ा गया। देखिए भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घर के पास ही इनका ये जंगल है, यहाँ पर इनका गन्ना बोया गया है, काफी अच्छा गन्ना यहाँ पर खड़ा हुआ है। और तो यहीं पर जो है वो तेंदुआ आ गया था, शाम का समय था, 6 बजे का समय था, तो 6 बजे के आसपास यहाँ पर इस बच्चे पर हमला किया था। लेकिन हमले से ही ये एक तरह से कुदरत का ही वो कहें कि बच्चा जो स्वतः ही छुटकर, हाँ जी जी हाँ, ये कुदरत का एक करिश्मा है जो बच्चा वहाँ से छुटकर आ गया अपने आप। और तो जब आपको ये छुटकर आ गया तो आपको जब पता चला कि मतलब यहाँ पर तेंदुआ, ये ले आते वक्त ही देख लिया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, ये तो इधर से बड़े, वो तो इन बच्चे ने बताया, इस बच्चे ने बताया कि यहाँ दो शेर खान है, एक पास में कोई पैतार एक इधर लैटिन के पास बैठा था। अच्छा, आपने दो देखे थे? अच्छा, तो जब आपने मतलब दोनों देखे थे, इधर देखो बैठा बैठा कैमरे लगो ना कैमरे। हाँ, बताइए बताइए बताओ बताओ बताइए इधर ना, इनसे बता, इनसे बता कैमरे लगो। हाँ, एक बाथरूम के पास था, एक लैट्रिन का आगे था। हाँ, अच्छा, एक बाथरूम के पास, एक लैट्रिन के पास, वही था, एक बाथरूम के पीछे था, एक लैट्रिन का आगे था। अच्छा, वो आया उधर से जी, तब एक आया ना, मैं कहा एक वहीं रहा, एक ले गया इसको खींच के बड़ा वाला। अच्छा अच्छा, लेकिन तो अब दूसरा जो है पिंजरा मतलब लगाए जाने की सूचना आपके पास है? शाम को, शाम को लगाएंगे, शाम को लगा देंगे पिंजरा जी। देखिए धनोरा के जो क्षेत्र में काफी दिनों से यहाँ पर जो है ये कई गांव हैं, यहाँ पर लगभग 15-16 गांव हैं, यहाँ पर जो है तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा है। देखिए प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, प्रधान जी क्या नाम है आपका? नितिन यादव। तो प्रधान जी आप बताइए, जो मतलब जैसे कि अब पिंजरा वगैरह लगाया जा रहा है तो इसके क्या एहतियात बरत रहे हैं गाँव वाले लोग? जब ये सभी गाँव वालों को बता दिया गया है जी, देखो अपने छोटे बच्चे को अपने घर में रखें, किसी तरीके से जितने भी बच्चे हैं घर में रहें, चाहे स्कूल जाए या ना जाए, पहला तो अपने बच्चों की सुरक्षा है, और दूसरी बात यह है कि वो तेंदुआ चले जाने के बाद आज दोबारा से टीम आई है, टीम के सदस्य खड़े हैं इधर। अच्छा अच्छा, वन विभाग के हैं ये? हाँ, अच्छा अच्छा, वन विभाग के हैं। तो आज शाम को दोबारा पिंजरा लगा जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये गांव के जो बच्चे हैं, जिस गांव में तेंदुआ पाया गया, ये बच्चे काफी हैं। देखिए यहाँ पर 12 में आ रहे हैं, तो बच्चों आपको डर नहीं लग रहा इस समय? अच्छा, अच्छा, नहीं अभी ये बताया जाता है कि एक रात थे, रात एक, तो एक, एक वो थी शेरनी और तीन दो बच्चे थे उसके तेंदुए के। अच्छा, तीन थे ये, दो घरों में बाकी रात पकड़ा गया और दो तीन बचे हुए हैं उधर, दो तीन दो दिखे हुए हैं और उनकी पकड़ने की तलाश में है। अरे वन विभाग वाले आए थे, उसको पकड़ के ले गए। अच्छा, एक को ले गए? नहीं, अभी ये बताया जाता है कि मेरी कई गांव वालों से बातचीत हुई है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कई तेंदुए हैं। हाँ, चार है, चार, कई है, चार है, चार है। तो आपको संभल कर रहना चाहिए ना। हम संभल कर अभी आए, अभी आए हम, थोड़े काम कर रहे थे, पेड़ लग रहे थे, पेड़ लग रहे थे, कब्रिस्तानों में पेड़ लग रहे थे, पापा वापा थे हमारे, क्या नाम है, दादा थे, सब थे, तो हम इस मारो थोड़े आ गए, गंदे हो रहे थे, नहा लगे, एक वो लेने गए थे, गंदे वो ले गए हमारे बड़े वाले, तू क्या के चले गए काम विभाग वाले, तू क्या के चले गए, गंदे से डर जा गए, तुम छेड़ियो मत मारो इससे, तो हमारे दादा थे, हम गंदे हो रहे थे, तो थोड़े बहुत दोस्त हमारे लगे, अब नहा के घर जा रहे।
हल्का सा ये तो है लेकिन बारिश, हाँ देखिए यहाँ पर जो बारिश पड़ गई है अब थोड़ा सा निशान मिट गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तेंदुए के पैर के निशान हैं यहाँ पर ये। तो जब ये मतलब पकड़ा गया था तो आप कितने लोग यहाँ पर आए थे जब पिंजरे में उस दौरान? पिंजरे के दौरान तो मतलब सारा गांव ही उस समय आ चुका था जब पकड़ा था समथिंग, जब ये 4-5 जने थे जब वहाँ से भागे थे। अच्छा। बच्चे के पीछे पीछे जी जी। उसके तुरंत जो है मतलब बच्चा जो है मतलब आधी एक में लेके चला गया, बच्चा छोटा उससे बच्चे को मिनट नहीं लेके बच्चा बाहर आ गया, इतनी मेहनत बच्चे ने करी। उसके बाद तो फिर पूरा गाँव पिल जाएगा उसको। अच्छा सभी लोग आ गए थे? हाँ सभी लोग फिलहाल जब उस टाइम पर आ चुके थे। चलिए चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।